जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं इंग्लिश का पेपर। दोस्तों आपका जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला 4 मार्च को, दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी आपको फुल सॉल्यूशन के साथ इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए हुए, इन निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इनको पढ़ने के बाद आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा सेक्शन ए से, रीडिंग रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये आपकी परीक्षा में 10 नंबर का यहाँ पर पेजेस पूछे जाने वाला है। आपको क्या करना है, इस पेजेस को ऊपर से लेकर आप नीचे तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस पेजेस के नीचे यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से सेट ए, बी, सी, डी चारों सेट मिलने वाले हैं। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन देख लिए, दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपके पास चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथे क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। अब आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे अच्छे से इस वीडियो के लास्ट में। आपका पर देख लीजिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन पूछा है, सातवें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आठों क्वेश्चन दिया। दोस्तों आप दोस्तों इस पेपर के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों वार्षिक परीक्षा में 80 में से 80 अंक लेकर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सातों, यहाँ पर आठों क्वेश्चन में भी आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। उसके बाद आपका पर यहाँ पर नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए। नौवे के बाद आपका पर दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए, जिससे आपके 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इनके आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा आपका क्वेश्चन दो पूछे, इसमें आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक यहाँ पर दोस्तों पेजेस दिया हुआ है, इस पेजेस को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए, तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको नोट्स तैयार करना है और इसके दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर टाइटल देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों इस क्वेश्चन में, इसका दोस्तों आपको इस पेजेस का आपको टाइटल बताना है, उसके साथ ही आपको यहाँ पर इसमें नोट्स आपको बनाना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर सेट ए का यहाँ पर सेक्शन बी से यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका राइटिंग से। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 3 में आपको एक नोटिस तैयार करना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक पोस्टर आपको बनाना है, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 4 पूछा है, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 4 के यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, या फिर दोस्तों आप इसके और वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक लेटर तैयार करना है। तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका पर सेट ए का यहाँ पर 5 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको NS कैंप की आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है इन बिंदुओं के माध्यम से। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, या फिर दोस्तों आप इसके और वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एनीवन आपको दोस्तों किसी एक टॉपिक पर आपको क्या करना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है 120 शब्दों में। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा आपका यहाँ पर सेट ए का हमारा सेक्शन सी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ग्रामर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक से पूछे एनी 5। आपको दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए, 6 में सिर्फ आपको यहाँ पर 5 के यहाँ पर जवाब देना होगा परीक्षा में। पहले में आपको क्या करना है, एन द का प्रयोग करना है, दूसरे में आपको मेनी, मच और एनी का प्रयोग करना है,
तीसरे में आपको एड टू इन का प्रयोग करना है, चौथे में आपको स्पीकिंग स्पोकन और स्पीक का आपको प्रयोग करना है, पांचवें में आपका सोड मस्त और यहाँ पर आउट का प्रयोग करना है, इसके साथ आपके छठे में आपको इफ टूथ और एल्स का प्रयोग करना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 7 पूछा है, डू अस डायरेक्ट एनी 5। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए, पहले में आपको क्या करना है, बी का उच का प्रयोग करना है, दूसरे में आपको यहाँ पर चेन इनटू नेगेटिव, आपको इस सेंटेंस को यहाँ पर नेगेटिव में बदलना होगा, और तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर नो सोनर देन का प्रयोग करना होगा, और चौथे में आपको यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना होगा, इफ के स्थान पर पांचवें आपको क्या करना है, पांचवें में आपका यहाँ पर नाउन क्लोज का प्रयोग करना है, और छठे में आपको सो डेट का प्रयोग करना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन डी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, आपका क्वेश्चन 8, रीड द फॉलोइंग एक्सेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के यहाँ पर दोस्तों पेसेज पूछे जाने वाला है, इस पेसेज को पूरा अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लिए, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इसके नीचे यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, पांचवें का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 9 के, यहाँ पर ए वाले क्वेश्चन पे, इसमें आपको यहाँ पर पॉइंट्स की लाइनें दी गई है, ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, इसके नीचे आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर पूछा आपका द एवो एक्सेट हैज बीन टेकन फ्रॉम, मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हमारी पोएम की लाइन कहाँ से ली गई है, ठीक है, किससे यहाँ पर दोस्तों पोएम से ली गई है आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, दूसरे के बाद आपको तीसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन पूछा हमारा क्वेश्चन 9 का, रीड द फॉलोइंग एक्सेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, दूसरे के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरे के बाद आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इनके आंसर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। अब आपको यहाँ पर देख लिया, अगला क्वेश्चन पूछा आपका क्वेश्चन 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 31 एनी 5। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 क्वेश्चनों के जवाब देना है। तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, अच्छे से याद कर लिए दोस्तों। यदि आपको यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में 80 में से 80 अंक आपको लाना है दोस्तों, तो आपको चारों सेटों को अच्छे से तैयार कर लेना है, गारंटी देता हूँ आप दोस्तों यहाँ पर 80 में से 80 अंक लेकर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपके पर देख लिया, यहाँ पर क्वेश्चन 11 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 31 एनी 3। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, 4 में सिर्फ आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन के जवाब देना है। अब आपका यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लिया, 12 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 12 क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन दिए, 3 में सिर्फ आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन के जवाब देना है, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लिए, इसमें भी आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लिया 3 क्वेश्चन दिए, 3 में सिर्फ आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन के जवाब देना होगा। अब आपका यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको इस पोएम का आपको सेंटर आइडिया लिखना है, और इसके अतुल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लिए, तो आप 15 क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर सेट ए आपका पेपर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा सेट ए यहाँ पर दोस्तों पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर सेट ए का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखते जाइए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले में आपका सी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका बी वाला आ जाएगा, ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ए वाला आ जाएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर पेसेस वाला, इनके आंसर आप देख लीजिएगा। और चौथे में आपका सी वाला आ जाएगा, पांचवें आपका सी वाला आ जाएगा, छठे में आपका बी वाला आ जाएगा, और यहाँ पर 7वें में आपका डी वाला जाएगा, उसके बाद आपके पर 8वें में आपका सी वाला जाएगा, 9वें में आपका ए वाला, और 10वें में आपका बी वाला राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पर अगला क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन 4 के आंसर बता देता हूँ। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 के आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपको क्वेश्चन 4 का आंसर, जिसमें आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपको एक एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो इसका आंसर अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 के यहाँ पर और वाले के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको एक लेटर लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद आपका यहाँ पर
क्वेश्चन थ्री का आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन थ्री में आपको एक नोटिस तैयार करना था, तो यहाँ पर नोटिस आपको इस तरह से करना है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन सिक्स का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको दोस्तों क्वेश्चन सिक्स का पहले में आपको दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। तो यहाँ पर पहले में आपका दा वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका मच, तीसरे में आपका दोस्तों एन आ जाएगा, चौथे में आपका स्पोकन, पांचवे में आपका सूट आ जाएगा, छठे में आपका ठूट आ जाएगा, ठीक है, जिससे यहाँ पर पांच नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ सेक्शन डी से क्वेश्चन एट का आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया पहले में आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों लगा लीजिए बी वाला, दूसरे में आपका डी वाला आ जाएगा, तीसरे में आपका डी वाला आ जाएगा, चौथे में आपका बी वाला और पांचवें में दोस्तों आपका डी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नाइन का यहाँ पर ए वाले के आंसर लगा लीजिए। तो पहले में आपका बी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिए डी वाला आ जाएगा और तीसरे में आपका ए वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नाइन के यहाँ पर बी वाले के आंसर लगा लीजिएगा। तो पहले में आपका डी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका डी वाला, तीसरे में आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला और चौथे में आपका बी वाला आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से लगा लीजिए। अब दोस्तों आपके पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा दोस्तों छूट गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका जो यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन फाइव का आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल के बारे में आपको लिखना था शॉर्ट पैराग्राफ। उसके बाद दोस्तों आपके पर देख लीजिए, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में आपको शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको ग्लोबल वार्मिंग ए ग्लोबल चीट के बारे में आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए बोला गया था। अब आपका दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन फोर था, जिसमें आपको एनएसएस कैंप की आपको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर रिपोर्ट देख लीजिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फाइव का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एनएसएस कैंप की आपको एक रिपोर्ट तैयार करना था। अब आपका यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए हुए और इसका आंसर आप लगा लीजिए, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी साथ मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी यहाँ पर याद करने में। उसके बाद आपका यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आप दिया आपका, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए दिया आपको। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन भी आपको साथ में मिल जाएगा। अब आपका यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, बट दोस्तों आपको देख लेना, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया आपका, अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन आपको साथ में मिलने वाला है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से दिया आपको, अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर का यहाँ पर दिया दोस्तों, इसका आगे का भी यहाँ पर दिया आपको, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। तो जिसमें आपको यहाँ पर इस पोएम का आपको सेंटर आइडिया आपको लिखने के लिए बोला गया, तो यहाँ पर सेंटर आइडिया पर दिया गया, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन और पेपर। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेट बी यहाँ पर पेपर आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको इस पेपर का भी फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर सेट बी पेपर दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों का आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा सेक्शन ए से, रीडिंग रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक पेसेज दिया हुआ है, आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पेसेज पूछे जाने वाला। तो आपको क्या करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप इस पेसेज पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस पेसेज के नीचे यहां पर क्वेश्चन आपको दिए हुए, तो यहां पर 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। चारों में से आपको क्या करना है, राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहां पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यहां पर चार ऑप्शन दिए, चारों में से आपको क्या करना है, राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहां पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन में भी आपको यहां पर चार
ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवें के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनके उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों हम आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप दिया आपका यहाँ पर आपका आठवां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। नौवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर दसवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपको 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर सेट बी का यहाँ पर क्वेश्चन दो देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक यहाँ पर पेसेज दिया हुआ है, ऊपर से लेकर आप नीचे तक इस पेसेज को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इसके जस्ट नीचे यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए, पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है, सॉरी यहाँ पर नोट्स लिखना है, और इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर टाइटल बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर सेक्शन बी से यहाँ पर राइटिंग वाले देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन थ्री पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन थ्री में दोस्तों क्वेश्चन थ्री वाले के पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर नोटिस तैयार करना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक पोस्टर आपको बनाना है, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन फोर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन फोर में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आपको एक एप्लीकेशन आपको लिखना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। इनको तो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन फाइव में आपको क्या करना है, एनएसएस कैंप की आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक टॉपिक पर आपको एक शॉर्ट यहाँ पर पैराग्राफ बनाना है 120 शब्दों में। तो इनके आंसर भी आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन सी से ग्रामर पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक से पूछा आपके एनी फाइव, ये आपकी परीक्षा पांच नंबर का पूछे जाने वाले। पहले में आपको एन द का प्रयोग करना है, दूसरे में आपको मेनी मच एनी का प्रयोग करना है, तीसरे में आपका यहाँ पर ए टू इन का प्रयोग करना है, इसके साथ ही चौथे में आपको यहाँ पर स्पीकिंग स्पोकन और स्पीक का प्रयोग करना है, पांचवें आपका सुड मस्ट आउट का प्रयोग करना है और छठे में आपको यहाँ पर इफ टू तो एल्स का प्रयोग करना है, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन सेवन यहाँ पर देख लीजिए, डू अस डायरेक्टेड पूछे गए, आपकी परीक्षा में पांच नंबर के पूछे जाने वाले। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर छह क्वेश्चन दिए, छह में से आपको क्या करना है, पांच क्वेश्चन का जवाब देना है। पहले में आपको बिकाउच का प्रयोग करना है, दूसरे सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बदलना है, तीसरे सेंटेंस को आपको यहाँ पर नो सेनर देन का प्रयोग करना है, चौथे में आपको यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है इफ के स्थान पर, पांचवें आपको यहाँ पर नाउन क्लोज का प्रयोग करना है, छठे में आपको यहाँ पर सो देट का प्रयोग करना है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन डी से यहाँ पर क्वेश्चन एट पूछा आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, या आपकी परीक्षा में पांच नंबर का पूछे जाने वाला है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद इसके जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन दिए पांच। तो पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लिया, दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तीसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा, तीसरे के बाद आपको यहाँ पर चौथे का आंसर भी आपको मिल जाएगा, चौथे के बाद आपका पांचवें आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन 9, यहां पर ए वाला दिया आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहां पर पॉइंट्स की यहां पर लाइन दी गई है, आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, तो इसमें पहला आपको क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। दूसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में और तीसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका यहां पर क्वेश्चन 9 का यहां पर बी वाला यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहां पर एक यहां पर दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स दिया है, इस कमेंट्स को पूरा अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चार क्वेश्चन दिया, तो पहले क्वेश्चन देख लिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। दूसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा, तीसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा, चौथे का आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 10 दिया आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 31 एनी 5। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको सात क्वेश्चन दिए, सात में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर पांच क्वेश्चनों के जवाब देना है, तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन 11 देख लीजिए, क्वेश्चन 11 में आपको यहाँ पर चार क्वेश्चन दिए, चारों में से आपको सिर्फ यहाँ पर तीन क्वेश्चन का जवाब देना, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 12 क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिए, तीन में सिर्फ आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन का जवाब देना, इनके आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप दिया आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 में आपको क्या करना, दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 13 में दोस्तों आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दोनों क्वेश्चन में से आपको सिर्फ यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर
दोस्तों क्या करना है, दो क्वेश्चनों के जवाब देना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन देख लीजिए, 14 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 पर। दोस्तों आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए, दोनों में से आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब देना है इस क्वेश्चन में, और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 15 क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पर सेट बी का यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेट बी यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आप सेट बी का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका सेक्शन ए से, इनके आंसर आप लगाते जाइए। तो पहले में आपका यहाँ पर सी वाला जाएगा, दूसरे में आपका बी वाला, तीसरे में आपका ए वाला, चौथे में आपका डी वाला, पांचवें में आपका बी वाला, और यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर छठे में आपका सी वाला, सातवें में आपका डी वाला, और यहाँ पर आठवें में आपका डी वाला, और यहाँ पर नौवें में आपका ए वाला, और दसवें में आपका सी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दो के आंसर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर नोट्स और यहाँ पर टाइटल आपको लिखने के लिए बोला जाता है। तो आपको नोट्स इस तरह से लिखना है, या फिर आपके हिसाब से आपके सब जो आपको पता है तो उस तरह से आप नोट से बना सकते हो, ठीक है। और इसका टाइटल हमारा हो जाएगा एजुकेशन। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन बी से आपका क्वेश्चन थ्री का आंसर देख लीजिए। तो इसमें आपको एक नोटिस आपको लिखने के लिए बोला जाता है, तो मैं आपको इनके आंसर अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन थ्री का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, इसमें आपको एक नोटिस तैयार करना था, यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिए और इसका और वाले का आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन फोर का आपको आंसर दिया, जिसमें आपको चैरेक्टर सर्टिफिकेट के आपको एक एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन फाइव का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको NSS कैंप की आपको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया था। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन सी से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ग्रामर देख लीजिए, जिसमें आपको सिक्स वाले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे। तो इनके आंसर लगा लीजिए, पहले में आपका ए आ जाएगा, दूसरे में आपका मच, तीसरे में आपका इन, चौथे में आपका स्मोकन, पांचवें में आपका सूड, और छठे में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन सात का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको डू अस डायरेक्टेड पूछे गए थे। तो पहले का आंसर आपको जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा, अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके पर क्वेश्चन एट के आप आंसर लगा लीजिए। तो क्वेश्चन एट का पहले में आपका डी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका डी वाला, तीसरे में आपका बी वाला, चौथे में आपका ए वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पांचवें में आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका डी वाला। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नाइन का यहाँ पर ए वाला के आंसर लगा लीजिए। तो पहले में आपका बी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका बी वाला, तीसरे में आपका ए वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर बी वाले के आंसर लगा लीजिए, पहले में आपका डी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका ए वाला, तीसरे में आपका डी वाला, चौथे में आपका बी वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन टेन का यहाँ पर पहले का आंसर लगा लीजिए, पहले का आंसर आपको हो जाएगा, उसके साथ ही आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तीसरे का आंसर आपको दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर तीसरे के यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा, चौथे के बाद आपका यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पाँचवें के बाद दोस्तों आपका देख लीजिए यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, छठे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे के बाद आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर यहाँ पर देख लिया, तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा, तीसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर चौथे का आंसर आपको हो जाएगा, चौथे के बाद दोस्तों आपका पाँचों का यहाँ पर देख लिया, 12 क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन का आपका तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका देख लीजिए आपका 13 क्वेश्चन का पहले का आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 13 क्वेश्चन का यहाँ पर दूसरा आंसर आपको हो जाएगा, दूसरे के बाद दोस्तों आप तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं 14 क्वेश्चन का आंसर पर। तो 14 क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन दिए होते, दोनों का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन का आंसर भी आपको हो जाएगा। तो यह हमारा सेट बी पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सेट सी पेपर। अब दोस्तों आपका यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर सेट सी यहाँ पर पेपर देख लीजिए, और आपको सेट सी पेपर का भी फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। आपको दोस्तों क्या करना, चारों सेटों को अच्छे से याद कर लेना, जैसे तो आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में 80 में से 80 अंक लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका
जो पहला क्वेश्चन पूछा सेक्शन एस से रीडिंग जिद द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 10 नंबर के ऊपर पेसेज पूछे जाने वाला है, तो आपको क्या करना है इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस पेसेज के नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिए, तो आपका पहला क्वेश्चन देख लिया आप दिया आपका दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लिया, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। दूसरे के बाद आपका देख लीजिए आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तीसरे के बाद दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। चौथे के बाद आपका यहाँ पर पांचवे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। छठे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सातवें के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आठवां और यहाँ पर नौवां और यहाँ पर दसवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दो पूछा है, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक पेसेज दिया है, ये आपकी परीक्षा में चार नंबर का पेसेज पूछे जाने वाला है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसके नीचे आपको दो क्वेश्चन दिए, पहले क्वेश्चन आपको नोट्स आपको बनाना है और दूसरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइटल बताना है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपको देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन बी से यहाँ पर क्वेश्चन थ्री दिया है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन थ्री में आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस तैयार करना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक पोस्टर तैयार करना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहां पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए, क्वेश्चन 4 के यहां पर पहले में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 के पहले में आपको दोस्तों यहां पर एक लेटर तैयार करना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या है, इसके और वाले क्वेश्चन में भी आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 5 में आपको एनएसएस कैंप की आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके और वाले क्वेश्चन में आपको किसी एक टॉपिक पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। अब आपको यहाँ पर सेक्शन सी से ग्रामर देख लीजिए, तो क्वेश्चन 6 से आपको पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। पहले में आपको शुड हुड और कुड का प्रयोग करना है, दूसरे में आपको देन फ्रॉम और टू का प्रयोग करना है और तीसरे में आपको यहाँ पर एनी सम और मैनी का प्रयोग करना है, चौथे में आपका एन द का प्रयोग करना है, पांचवा आपका हिड हाइड और हेडन का प्रयोग करना है, छठे में आपका एंड बट वेल्स का प्रयोग करना है और सातवें में आपका यहाँ पर स्पीकिंग स्पोकन और स्टिक का प्रयोग करना है। इनका आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर सातों क्वेश्चन देख लीजिए, सातों क्वेश्चन का यहाँ पर पहले में बेकाउच का प्रयोग करना है, दूसरे में आपको चेंज इंटू नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है और तीसरे में आपको नो सोना देन का प्रयोग करना है, पाँचवें आपका अनलेस का प्रयोग करना है, चौथे में आपका अनलेस का प्रयोग करना है, पाँचवें आपको दोस्तों यहाँ पर नाउन क्लोज का प्रयोग करना है, छठे में आपको यहाँ पर सो डेट का प्रयोग करना है और यहाँ पर सातवें में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, एडजेक्टिव क्लोज बनाना है, ठीक है। इनका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर सेक्शन डी से टेक्स्ट बुक देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 8 दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सरसाइज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो 8। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। आपको यहाँ पर एक दोस्तों पेसेज दिया है, इसको अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, दूसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका देख लीजिए यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर क्वेश्चन 9 का यहाँ पर ए वाला देख लीजिए, इसमें आपको एक कावेंस दिया हुआ है, यहाँ पर पोइम्स के आपको लाइनें दी गई है, इनको अच्छे से पढ़िए। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों इसके जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया दोस्तों पहले क्वेश्चन में, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, दूसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, तीसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका क्वेश्चन 9 का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपको एक कावेंस दिया, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पर कावेंस देख लीजिए, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट के लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में भी आपको चार ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट के लिखना है, तीसरे क्वेश्चन में भी आपको चार ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट के लिखना है, चौथे क्वेश्चन में भी आपको चार ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट के लिखना है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 10 यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए आपको सात क्वेश्चन दिए, सात में सिर्फ आपको क्या करना है, पांच क्वेश्चन का जवाब देना है। यह आपकी परीक्षा में 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ठीक है। इनके आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन 11 दिया, क्वेश्चन 11 में दोस्तों आपको यहाँ पर चार क्वेश्चन दिए, चार में सिर्फ आपको यहाँ पर तीन क्वेश्चन का जवाब देना है, इसका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लिए, 12 के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 13 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 क्वेश्चन। और यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर दिया आपका 14 क्वेश्चन के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा सेट सी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको सेट सी का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर सेट सी का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखते जाइए। तो यहाँ पर सेक्शन ए से आपका यहाँ पर एक पेसेज पूछा गया था, इनका आंसर लगा लीजिए। पहले में आपका सी वाला जाएगा, दूसरे में आपका बी वाला, तीसरे में आपका ए वाला, चौथे में आपका सी वाला, पांचवें में आपका सी वाला और यहाँ पर छठे में आपका बी वाला, सातवें में आपका डी वाला, आठवें में आपका सी वाला, नौवें में आपका ए वाला, दसवें में आपका बी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर टाइटल नोट्स और समरी आपको लिखने के लिए बोला गया था, इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका टाइटल आपको हो जाएगा और नोट्स आपको इस तरह से लिखना होगा परीक्षा में।
उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, आप क्वेश्चन थ्री का आंसर लगा लीजिए, इसमें आपको एक नोटिस तैयार करना है, सॉरी यहाँ पर पोस्टर आपको तैयार करना है, इसका आंसर आप अच्छे से लिख लीजिए और इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन फोर का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर एक लेटर लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन फाइव का आंसर देख लीजिए, आप क्वेश्चन फाइव का आंसर आपको हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन सी से यहाँ पर ग्रामर देख लीजिए, इनके आंसर आप लगा लीजिए। पहले में आपको कूट आ जाएगा, दूसरे में आपको टू आ जाएगा, तीसरे में आपका सम, चौथे में आपका द और पांचवें आपका हेड। उसके बाद दोस्तों आपका छठे में आपका हेल्थ है और यहाँ पर सातवें आपका स्पोकन आ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर सातों क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर सातों क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यह हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी का आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सेक्शन डी से यहाँ पर क्वेश्चन एट का आंसर देख लीजिए, तो पहले में आपका सी वाला ए वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका सी वाला, तीसरे में आपका बी वाला, चौथे में आपका सी वाला आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पांचवे क्वेश्चन का आंसर भी आप लगा लीजिए, यहाँ पर पांचवे क्वेश्चन का आंसर में आपका बी वाला आ जाएगा। अब आप दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नाइन के, यहाँ पर ए वाले के आंसर पर, तो पहले में आपका बी वाला जाएगा, दूसरे में आपका ए वाला, तीसरे में आपका बी वाला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नाइन का बी वाले का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर पहले में आपका डी वाला जाएगा, दूसरे में आपका ए वाला, तीसरे में आपका बी वाला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन टेन का, यहाँ पर पहले का आंसर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टेन के पर दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन टेन के पर, यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चौथे के बाद आपका देख लीजिए यहाँ पर पांचवे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पांचवे के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छठे के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन इलेवन का, यहाँ पर पहले का आपका आंसर मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों आपके पर दूसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पर तीसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके चौथे का आंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पर बारह क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप बारह क्वेश्चन का दूसरे का आंसर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर बारह क्वेश्चन का तीसरे का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं तेरह क्वेश्चन के आंसर पर, तो आपका यहाँ पर तेरह क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका तीसरे का आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर चौदह क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपको दोनों के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर पंद्रह क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो यह हमारा सेट सी पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सेट डी पेपर। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आप सेट डी यहाँ पर पेपर देख लीजिए, आपको सेट डी पेपर का भी फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा सेक्शन ए से रीडिंग रीड द फॉलोइंग पैसेज के रिप्लाई एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़िए, आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पूछे जाने वाला। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको 10 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको चार ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट के लिखना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो लास्ट में। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो लास्ट में। और यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा और चौथे का आंसर भी आपको मिल जाएगा। चौथे के बाद दोस्तों आपको पांचवे का आंसर मिल जाएगा। पांचवे के बाद दोस्तों आपका छठे का आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, छठे के बाद दोस्तों आपको सातवें का आंसर भी आपको मिल जाएगा। सातवें के बाद दोस्तों आपका आठवा, नौवा और दसवा, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दो पूछे, इसमें आपको यहाँ पर एक पेज दिया, इस पेज को पूरा अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इसके नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दो नोट्स बनाना है और दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर टाइटल बताना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर सेक्शन बी से यहाँ पर राइटिंग देख लीजिए, इनके आंसर लगा लीजिए, मतलब इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो लास्ट में। तो ये तीसरे क्वेश्चन का पहले में आपको नोटिस तैयार करना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक पोस्टर तैयार करना है। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चौथे क्वेश्चन के पहले में आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके और वाले क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना है। और यहाँ पर पाइप वाले क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको एनएसएस कैंप की आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक टॉपिक पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। अब आपका सेक्शन सी से यहाँ पर ग्रामर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको इन सभी का आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, सभी का आपको आंसर मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन सेवन का यहाँ पर डू अस डायरेक्टेड देख लीजिए, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सेक्शन डी से टेक्स्ट बुक से यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपको यहाँ पर एक यहाँ पर कैवेंस दिया, इस कैवेंस को पूरा अच्छे से पढ़िए। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए, मतलब सॉरी दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पांचों क्वेश्चन दिया। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नाइन के यहाँ पर ए वाले क्वेश्चन पर।
तो दोस्तों इसमें भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है, यहाँ पर पॉइंट्स की लाइन आपको दी गई है, इनको पढ़ने के बाद आपको जस्ट नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिए, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। दूसरे आंसर भी आपको मिलेगा, तीसरे आंसर भी आपको मिलेगा, तीसरे के बाद तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 का बी वाला देख लीजिए, इसमें भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद तो इसके नीचे आपको चार क्वेश्चन दिए, मतलब चार ऑप्शन दिए, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। दूसरे आंसर भी आपको मिल जाएगा, तीसरे आंसर भी आपको मिल जाएगा, चौथे आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10 का यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर सात क्वेश्चन दिए, सात में सिर्फ आपको यहाँ पर पांच क्वेश्चनों के जवाब देना है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 11 का आंसर लगा लीजिए, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, और यहाँ पर क्वेश्चन 12 का आंसर भी मिल जाएगा आपको, और क्वेश्चन 14 का आंसर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से दोस्तों, इन सभी का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले आप इस पेपर को देख लीजिए, ठीक है। तो यह हमारा सेट डी पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको सेट डी पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सेट डी पेपर का फुल सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिल जाएगा सेट ए में, और दूसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा सेट ए में, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 का यहाँ पर अतवा वाला आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन 4 का आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको एनएसएस कैंप की आपको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया था। उसके बाद तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का आप आंसर लगा लीजिए, पर क्वेश्चन 7 के आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 के आप आंसर लगा लीजिए, यहाँ पर दिया आपको, ठीक है। उसके बाद तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन 9 का आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 9 का आपको आंसर मिल जाएंगे, क्वेश्चन 9 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 का आप आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर पर, यहाँ पर क्वेश्चन 10 का पर पहले का आंसर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा, दूसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर, यहाँ पर चौथे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपको दिया हुआ है। चौथे के बाद दोस्तों आपका पाँचों का आंसर आपको मिल जाएगा, पाँचों के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर छठे का आंसर आपको मिल जाएगा, छठे के बाद दोस्तों आपका सातों का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 का पहले का आंसर आपको मिल जाएगा, पहले के बाद तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा, दूसरे के बाद दोस्तों आपको तीसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा, तीसरे के बाद दोस्तों आपको चौथे का आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर आपका यहाँ पर 12 क्वेश्चन का पहले का आंसर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर 12 क्वेश्चन का दूसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 12 क्वेश्चन का तीसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 13 क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 13 क्वेश्चन का यहाँ पर तीसरे का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, 14 के बाद आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। 15 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन का यहाँ पर इसके अतवे वाले का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका सेट डी पेपर भी कंप्लीट होगा। दोस्तों हमने आपको इस पेपर के इस वीडियो के माध्यम से आपको सेट ए बी सी डी सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको दे दिए। अब आपको क्या करना है, आपको इस पेपर को मतलब चारों पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, जिससे तो आप यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में 80 में से 80 अंक लेकर आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।